नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल सार्थक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हम सीखेंगे किस प्रकार से हम SBI इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन न्यू डेबिट कार्ड के लिए, चाहे वो रुपए कार्ड हो, वीजा कार्ड हो या फिर मास्टर कार्ड हो, किसी के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप कुछ नॉलेजेबल सीखना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप कोई सा वेब ब्राउजर ओपन कर लीजिए या फिर आप गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए। तो चलिए हम हमारा गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं। तो जैसे आप गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं, उसका सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है SBI ऑनलाइन। जी हाँ, SBI ऑनलाइन। तो जैसे आप SBI ऑनलाइन टाइप कर लेंगे, आप कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। जो फर्स्ट वेबसाइट है www.onlinesbi.com, आपको इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप इसे ओपन कर लेते हैं, उसके बाद आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एक है पर्सनल बैंकिंग ऑप्शन, दूसरा है कॉर्पोरेट बैंकिंग ऑप्शन। तो पर्सनल बैंकिंग के नीचे आपको लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिंपली आपको करना है लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद कंटिन्यू टू लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर देना। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपके पास ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग का खाता नहीं है SBI का, तो सबसे पहले आप अपने नियरेस्ट SBI ब्रांच विजिट कीजिए और वहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए इंटरनेट बैंकिंग के लिए। और जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, उसके बाद आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। तो यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ डाल के आप लॉगिन कर लीजिए। तो चलिए हम हमारा यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर देते हैं। तो जैसे आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर लेंगे, आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इस इंटरफेस में सबसे पहले आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। ऊपर की तरफ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ई सर्विसेज का ऑप्शन। आप सिंपल इस पर क्लिक कर लीजिए। तो जैसे आप इस पर क्लिक कर लेते हैं, सेकंड नंबर का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है ATM कार्ड सर्विसेज का ऑप्शन। आप सिंपल इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप ATM कार्ड सर्विस का ऑप्शन देख पर क्लिक कर लेते हैं, आपको ATM कार्ड से रिलेटेड कई प्रकार की सर्विसेज देखने को मिल जाती है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ किन किन प्रकार की सर्विसेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सबसे पहले ब्लॉक ATM कार्ड। अगर आपका ATM कार्ड खो जाता है तो आप यहाँ से ऑनलाइन ब्लॉक करा सकते हैं। आप उस ATM कार्ड की लिमिट चेंज करा सकते हैं, यानी डेली लिमिट चेंज करा सकते हैं और मंथली लिमिट चेंज करा सकते हैं। आप यहाँ से अगर चाहें तो अपने ATM कार्ड के लिए नया पिन जनरेट कर सकते हैं। आप यहाँ से अगर आपका कोई नया ATM कार्ड है, आपको एक्टिवेट कराना है, तो आप इसे न्यू ATM कार्ड एक्टिवेशन करा सकते हैं। इसके बाद लास्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलता है रिक्वेस्ट ATM और डेबिट कार्ड। यहाँ पर इस ऑप्शन में आपको सिंपली क्लिक कर लेना है, यानी आपको एक नए डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करना है। तो सिंपली आप रिक्वेस्ट ATM / डेबिट कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद आपको अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप और ब्रांच का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप सिंपली सबसे पहले आपको करना है क्या, अपना जो अकाउंट नंबर, जिस अकाउंट नंबर से आपको अपना डेबिट कार्ड इशू कराना है, उस अकाउंट नंबर को एंटर कर दीजिए, फिर क्लिक कर लीजिए। तो उस अकाउंट नंबर पर टिक मार्क कर देते हैं। इसके बाद आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रही है, कार्ड की दो ऑप्शन कैटेगरी देखने को मिल रही है। आपका जो ऑलरेडी कार्ड उसका ऑप्शन है, माई कार्ड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। फिर आपको नया कोई डेबिट कार्ड लेना है तो नया डेबिट कार्ड पर क्लिक कर देना है। तो आपको न्यू डेबिट कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, फिर डेबिट कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको डेबिट कार्ड का टाइप सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर टाइप सेलेक्ट करने से पहले आपको ऊपर देखने को मिलेगा नेम ऑन कार्ड। जैसे आप अपना नेम एंटर कर देते हैं, उसका नीचे की तरफ आइए और नीचे की तरफ आपको सबसे पहले अपना डेबिट कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ ये ऑप्शन किस काम के आते हैं और किस प्रकार से आप इन ऑप्शन को यूज कर सकते हैं और किन किन प्रकार के डेबिट कार्ड को आप इशू करा सकते हैं। तो इस ऑप्शन में आप सबसे पहले ऑप्शन देख सकते हैं ग्लोबल इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, यानी मास्टर कार्ड है। इसके बाद पेपास इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, ये दोनों जो कार्ड है इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है। इन दोनों डेबिट कार्ड की मदद से आप इंटरनेशनल पेमेंट कर सकते हैं, इंटरनेशनल पेमेंट या सपोर्ट करते हैं। इसके बाद थर्ड ऑप्शन आपको देखने मिल जाता है ग्लोबल इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, जो वीजा कार्ड है ग्लोबली एक्सेप्टेबल है सभी इंटरनेशनल पेमेंट के द्वारा। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन आपको मिलता है पेवे इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, ये वीजा कार्ड है। इसके बाद क्लासिक डोमेस्टिक डेबिट कार्ड, जो वीजा कार्ड आपको देखने मिल जाता है। और डोमेस्टिक डेबिट कार्ड यानी जो आप इंडिया के अंदर अगर इस डेबिट कार्ड को यूज करना चाहते हैं, तो मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड और रुपए कार्ड तीनों में से यूज कर सकते हैं। अगर आप इस डेबिट कार्ड को इंडिया के अंदर या फिर डोमेस्टिक यूज में, जैसे ATM से पैसे विड्रॉल करने के लिए यूज करना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप यहाँ पे रुपए कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए, जो क्योंकि इसका इंश्योरेंस फी है वो भी कम है और इसका जो ईयरली मेंटेनेंस चार्ज है वो भी बहुत कम है। तो आप मैं सेलेक्ट कर दूंगा, अगर आप इंडिया के अंदर इसे यूज करना चाहते हैं तो आप इसे रुपए कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप फॉरेन में यूज करना चाहते हैं, जैसे इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे को सपोर्ट कराना चाहते हैं तो अपने डेबिट कार्ड में, तो आप यहाँ पर मास्टर कार्ड या फिर वीजा कार्ड दोनों में से किसी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे मैं फर्स्ट ऑप्शन मास्टर कार्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ग्लोबल इंटरनेशनल डेबिट कार्ड मास्टर कार्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं एक्सेप्ट पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे एक्सेप्ट पर क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना, तो आपकी जो डेबिट कार्ड की रिक्वेस्ट है फिर एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। इसके बाद आपको 7 से लेकर 8 कार्यकाल दिवस के अंदर आपका अपना डेबिट कार्ड आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली करना है क्या, उसको जनरेट करना, एक्टिवेट करा लेना। एक्टिवेट कराने के लिए मैं आपको पहले ऑप्शन बता चुका हूं यहां पे किस प्रकार से आप एक्टिवेट करा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप नए अपने SBI डेबिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सुझाव है इसी रिलेटेड या मैं पीयूष रिलेटेड, प्लीज कमेंट से कमेंट कर दीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल के आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि यहां पर मिलती है आप टेक्नोलॉजी के रिलेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।